friends, good morning everybody. How are you? Today welcomes you Guru Tegh Bahadur Public School online classes. आज आपको हिंदी ग्रामर का मैं लेसन करवाने जा रहा हूँ 2 मई का, हिंदी व्याकरण का कक्षा 5 का कारक टॉपिक हम शुरू करने जा रहे हैं बेटा। कारक एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है हिंदी ग्रामर का। किसको कहते हैं कारक? जैसा कि ऊपर लिखा हुआ संज्ञा है सर्वनाम के, जिस रूप से उसका वाक्य की क्रिया या अन्य शब्द से संबंध प्रकट होता है उसे कारक कहते हैं। किसको कहते हैं? संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका वाक्य की क्रिया या अन्य शब्द से संबंध प्रकट होता है उसे कारक कहते हैं। कारक के चिन्हों को विभक्ति कहते हैं या चिन्ह कहते हैं। फिर मैं रिपीट कर दूं, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका वाक्य की क्रिया या अन्य शब्द से संबंध प्रकट होता है, या तो क्रिया या किसी और शब्द से उसका रिलेशन पता चल रहे हमें, तो उसको कारक कहते हैं। जैसे कर्ता कारक, कारक 8 प्रकार के होते हैं। कर्ता कारक, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन। कर्ता के विभक्ति चिन्ह होता है ने, कर्म का होता है को, करण का होता है से या के द्वारा, फिर संप्रदान का होता है के लिए, अपादान होता है से अलग होने के संदर्भ में। ये इसलिए लिखा है क्योंकि करण का विभक्ति चिन्ह भी से होता है, इसका भी से होता है, लेकिन ये तो से जो है किसी से संबंध जोड़ने की बात करता है, ये किसी से संबंध अलग होने की बात करता है। से संबंध कारक होता है जो का के की और रे संबंध करता है। अधिकरण में मे और पर विभक्ति चिन्ह होते हैं। संबोधन में हे, ओ, अरे, ये इसके विभक्ति चिन्ह होते हैं। पहला है जैसे कर्ता कारक। कर्ता कारक होता है संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया करने वाले का बोध हो उसे कर्ता कारक कहते हैं। किसका? क्रिया करने वाले का बोध हो। क्या लाइन है? क्रिया करने वाले का बोध हो उसे क्या कहते हैं? कर्ता कारक कहते हैं। और इसका विभक्ति चिन्ह होता है ने। इसका विभक्ति चिन्ह क्या होता है? ने। जैसे मोहन ने खाना खाया, इस वाक्य में खाया क्रिया है और क्रिया मोहन ने की है, इसलिए मोहन कर्ता कारक। इसमें मैंने क्वेश्चन एग्जांपल लिखा है, मोहन ने खाना खाया, ने के नीचे मैंने अंडरलाइन भी किया है, ने इसका विभक्ति चिन्ह है। मोहन ने खाना खाया, अब मोहन खाना खाने की क्रिया है, खाना खाया, खाना एक क्रिया है, खाने की क्रिया का किसने की? मोहन ने की, इसलिए ये कर्ता कारक है। दूसरा है कर्म कारक। जिस संज्ञा या सर्वनाम पर क्रिया का प्रभाव पड़े उसे कर्म कारक कहते हैं। जिस संज्ञा या सर्वनाम पर क्रिया का प्रभाव पड़े उसे कर्म कारक कहते हैं। इसका विभक्ति चिन्ह को होता है और कई बार विभक्ति चिन्ह इसमें होता भी नहीं क्योंकि क्रिया का ही प्रभाव पड़ता है। संज्ञा या सर्वनाम पर क्रिया का ही प्रभाव पड़ता है, कर्म कई बार होता ही नहीं इसमें, तो तब क्या होता है? राम पानी पीता है, पीने की क्रिया जो है वो पानी पे पड़ रही है, पीने की क्रिया, राम पानी पीता है, इसमें को का लोप है। राम किसको पीता है? पानी को पीता है, तो को का लोप है, पर को एक विभक्ति चिन्ह है इसलिए ये कर्म कारक है। तीसरा है करण कारक। जिस वस्तु की सहायता से या जिस वस्तु के द्वारा कोई काम किया जाता है उसे करण कारक कहते हैं। जिस वस्तु की सहायता से कोई काम किया जाता है, यानी कोई भी काम किसी की सहायता से किया जाता है तो वो करण कारक होता है। अध्यापक चौक से लिखता है, अब करण कारक का से है, अध्यापक चौक से लिखता है, से किसकी? अध्यापक किससे लिखता है? चौक से। मोहन कलम से लिखता है, किससे लिखता है? कलम से। तो ये से जो है संबंध जोड़ने का काम कर रहा है, यहाँ करण कारक है। किसी को किसी साधन की सहायता से जो कोई काम किया जाता है वो करण कारक होता है। नेक्स्ट है संप्रदान कारक। जिसके लिए किसी क्रिया को किया जाता है उसे संप्रदान कारक कहते हैं, इसका चिन्ह होता है के लिए। नेक्स्ट है संप्रदान। जिसके लिए किसी क्रिया को किया जाता है उसे संप्रदान कारक कहते हैं, इसका विभक्ति चिन्ह क्या होता है? संप्रदान का के लिए। क्या होता है? के लिए। विभक्ति चिन्ह क्या होता है? के लिए। जैसे वह अपने भाई के लिए अमरूद लाया, इस वाक्य में लाने की क्रिया भाई के लिए की गई है, अतः भाई संप्रदान कारक है। वह अपने भाई के लिए अमरूद लाया, मैंने भी लिखा है वह अपने भाई, किस जब कोई क्रिया किसी और के लिए की जाती है तब संप्रदान कारक होता है। नेक्स्ट है अपादान कारक। जिस वस्तु को किसी वस्तु का अलग होना पाया जाता है, जिस वस्तु से किसी वस्तु का अलग होना पाया जाता है उसे अपादान कारक कहते हैं, इसका विभक्ति चिन्ह से होता है। जैसे करण का भी से था, अपादान का भी से है, बंदर पेड़ से कूदा, पत्ते पेड़ से गिरते हैं,
जिससे किसी वस्तु का अलग होना पाया जाता है। पत्ते पेड़ से गिरते हैं, बंदर पेड़ से कूदा, और बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं। अध्यापक ने चौक फेंका, पेड़ से फल गिरा, ये सारे उदाहरण जो है अपादान कारक के हैं। अपादान कारक का मतलब जब किसी वस्तु को शब्द ऐसा पाया जाता है जिससे कोई अलग होने का बोध होता है, तब अपादान कारक होता है। नेक्स्ट है संबंध कारक। दो या दो से अधिक संज्ञा या सर्वनाम शब्दों में संबंध दिखाने के लिए संबंध कारक का प्रयोग होता है। दो या दो से अधिक शब्दों के अंदर संबंध दिखाने के, संज्ञा शब्दों के लिए संबंध दिखाने के लिए जब कोई प्रयोग किया जाता है तो तब संबंध कारक होता है। जैसे सुधीर मेरा भाई है, इस वाक्य में सुधीर का मुझसे संबंध दिखाया गया था, मैं मेरा संबंध कारक है, मैं क्या है संबंध कारक है। सुधीर मेरा भाई है, मेरा रा रे री आता है या का के की आता है, तब संबंध दिखाया जाता है, तब संबंध कारक होता है। नेक्स्ट अधिकरण कारक। वाक्य में शब्द के जिस रूप से क्रिया का आधार ज्ञात होता है, अधिकरण कारक मैंने यहां लिखा हुआ है, जिससे क्रिया का आधार ज्ञात होता है। जैसे वह कुर्सी पर बैठा है, आधार क्या है उसका, कुर्सी है, किस पे बैठा है, कुर्सी पे बैठा है। वाक्य में शब्द के जिस रूप से क्रिया का आधार ज्ञात होता है, जिस स्थान पर कोई काम होता है उसे अधिकरण कारक कहा जाता है। इसके लिए चिन्ह में तथा पर होता है, वह कुर्सी पर बैठा है। इस वाक्य में बैठने क्रिया का आधार क्या है, कुर्सी है, अतः कुर्सी अधिकरण कारक है। लास्ट है संबोधन कारक। जिस संबोधन कारक, जिससे किसी को पुकारा जाए, संबोधित किया जाए, खुद से ही पता चल रहा है अरे ओ हे, ये शब्द संबोध करने वाले होते हैं। अरे सोहन तुम यहां कब आए, अरे सोहन तुम यहां कब आए, ये सब संबोधन कारक से संबंधित वाक्य हैं। तो हमें इनका पता करने के लिए इनके विभक्ति चिन्हों को याद करना है बेटा सबको। ये विभक्ति चिन्ह हमें याद होने चाहिए। जब हम छोटे हुआ करते थे तब हम तो इनको इस तरह से एक माला के रूप में याद रखा करते थे। कर्ता ने कर्म को करण से, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपदान से, संबंध काके की, अधिकरण में पर, और संबोधन है ओवर। अरे इन सब शब्दों को जब हम याद रखेंगे तो हमें ये बहुत आसान टॉपिक लगेगा। और कारक आज आपका कंप्लीट हो चुका है क्लास फिफ्थ का। इसकी जो भी एक्टिविटीज है वो आपके ग्रुप में भेज दी जाएगी।